तो इसी तरह से लुईस साहब ने जितनी भी लिफ्ट करी थी उन लिफ्टों की पुष्टि करने के लिए आयरलैंड के रिवरेंड फादर बॉन्ड्रीव थे, और उन्होंने लुईस साहब ने जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करे थे उनकी उन्होंने अध्ययन किया था, और अध्ययन के फलस्वरूप यह घोषित कर दिया था कि लुईस साहब ने जितनी भी लिफ्ट करी हैं वह एकदम परफेक्ट हैं। तो 8 मई को लुईस साहब ने एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन और करा था जिसमें उन्होंने 445 पाउंड के भारी बैरल को उठाया था, और उन्होंने उस भारी बैरल को किनारे पर से उठाकर अपने कंधे पर रख लिया था। मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने 198 पाउंड के भारी बैरल को उठाया था, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 8 मई को उन्होंने 445 पाउंड यानी कि 201 किलो के भारी बैरल को जमीन से उठाकर अपने कंधे पर रख लिया था। उनके लिए 200 किलो वजन उठाना कितनी आसान बात थी। और उसी दिन उन्होंने 558 पाउंड की वन फिंगर लिफ्ट भी करके दिखाई थी। वन फिंगर लिफ्ट आप जानते हो कि एक ही उंगली से भारी वजन को उठाया जाता है। 558 पाउंड का मतलब ये है कि उन्होंने 253 किलो के भारी वजन को उन्होंने मात्र एक ही उंगली से उठाकर दिखा दिया था। तो सोचो जरा लुईस सर उस समय कितने शक्तिशाली रहे होंगे कि वह 253 किलो यानी कि 250 किलो का जो वजन होता है उसको वह अपनी एक ही उंगली से जमीन से कुछ ऊंचाई तक उठा डालते थे। पुस्तक में बताया गया है कि जॉनसन ने खुद कहा था कि मैं किसी को भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन में पछाड़ सकता हूँ, लेकिन किसी भी आदमी के लिए उस हाथी को यानी कि लुईस सायर को पछाड़ना असंभव है। क्योंकि अगस्त जॉनसन और लुईस सायर के बीच में जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन का मुकाबला हुआ था उस प्रदर्शन के फलस्वरूप अगस्त जॉनसन समझ गए थे कि लुईस सायर ही है जो अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है, और कोई भी अन्य शक्तिशाली पुरुष लुईस सायर को टक्कर दे ही नहीं सकता है। लुईस सायर के जो शिष्य हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लुईस सायर के शिष्य हॉरेस बैरे थे और वह भी काफी शक्तिशाली पुरुष थे। वह लुईस सायर के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी करते थे। लोगों का ऐसा मानना था कि हॉरेस बैरे में लुईस सायर से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन वास्तव में लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे। लोग ऐसा इसलिए कहने लगे थे क्योंकि लुईस सायर ने जानबूझकर हॉरेस बैरे के बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ा ही नहीं था, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से उनके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा था। लुईस सायर जो हैं वह ट्रेनिंग के दौरान हॉरेस बैरे को काफ़ी मोटिवेशन देते थे, और जब वह ट्रेनिंग करते थे तो फिर लुईस सायर और हॉरेस बैरे के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल जाती थी कि कौन सबसे ज़्यादा भारी डंबल को कितने लंबे समय तक उठाकर रखेगा। तो फिर ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों व्यक्तियों के बीच में होड़ लग जाती थी, और वह आपस में ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी इंटेंस वर्कआउट करते थे। लुईस सायर वजन उठाते उठाते अपनी सीमा को बहुत ही हायर लेवल तक ले जाते थे, और वहीं वह हॉरेस बैरे को भी मोटिवेशन देते थे कि और वजन उठाओ और वजन उठाओ, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम दुनिया के शक्तिशाली पुरुष बन सकते हो। तो फिर लुईस सायर में और हॉरेस बैरे में प्राकृतिक रूप से ताकत तो थी, लेकिन लुईस सायर ने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया था, और हॉरेस बैरे के साथ भी वह ऐसा ही करते थे कि वह हॉरेस बैरे को मोटिवेशन देते थे कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम इस भारी डंबल को उठा सकते हो। लेकिन हॉरेस बैरे में कुछ कमी थी। हॉरेस बैरे में वह आग ही नहीं थी जो है उनको लड़ाकू बनाती हो, यानी कि एक व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, वह अपने अंदर से ही थोड़ा शांत स्वभाव का है और उसमें लड़ने की इच्छा है ही नहीं। वह दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहता है कि मैं कितना अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ, और वैसी ही कमी हॉरेस बैरे में थी। उनका स्वभाव लड़ाकू नहीं था, उनके भीतर वह आग नहीं थी जो यह दिखाती हो कि मैं उस दुनिया का शक्तिशाली पुरुष हूँ। हालांकि लुईस सायर तो हॉरेस बैरे को खूब मोटिवेशन देते थे, और जिस वजह से हॉरेस बैरे अद्भुत शक्तिशाली पुरुष भी बन गए थे, लेकिन हॉरेस बैरे में लड़ाकू स्वभाव नहीं था। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिस चीज पे अड़ जाए तो फिर अड़ ही जाए। जैसे लुईस सायर का स्वभाव था कि वह यदि किसी व्यक्ति के
एक रिकॉर्ड को पता लग जाता था कि किसी व्यक्ति ने एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा है, तो फिर लुईस सर उसके शक्तिशाली बल प्रदर्शन को तोड़ने में लग जाते थे, मेहनत करने में लग जाते थे। लेकिन जो हॉरेस बेरे थे उनमें इस चीज़ की ही कमी थी, वह किसी भी चीज़ को ज़्यादा हार्डली लेते ही नहीं थे और शक्तिशाली बल प्रदर्शन में भी उनका मन कम ही लगता था। हालांकि कुछ समय तक हॉरेस बेरे लुईस सर के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते रहे, लेकिन कुछ समय के बाद जो हॉरेस बेरे थे वह मॉन्ट्रियल का जो जेल था वहाँ पर एक अधिकारी बन गए थे और वहाँ पर वह अपना काम जो था वह करने लगे थे। लेकिन लुईस सर और हॉरेस बेर की जो मित्रता थी वह काफ़ी लंबे समय तक चली थी। पूरी पुस्तक में सिर्फ कुछ ही स्थान पर ऐसा बताया गया है कि लुईस सर और हॉरेस बेरे ट्रेनिंग करते थे और ट्रेनिंग के दौरान उनकी ट्रेनिंग यही होती थी कि वे भारी से भारी डंबल को उठाते थे। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि लुईस सर ने शक्तिशाली बनने के लिए कोई विशेष व्यायाम प्रणाली नहीं करी थी, बल्कि वह शुरू से ही शक्तिशाली थे और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वह नॉर्मल ट्रेनिंग ही किया करते थे, जिसमें वह मुख्य रूप से अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके भारी से भारी डंबल को उठाते थे और जिसमें वह टेक्निक का भी विशेष रूप से ध्यान देते थे कि मैं इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन में टेक्निक तो ठीक प्रकार से प्रयोग कर रहा हूँ ना, क्योंकि उस समय बिना टेक्निक के यदि तुम कुछ उठाओगे तो फिर वह मान्य ही नहीं मानी जाएगी और लोग ऐसा मानेंगे ही नहीं कि यह शक्तिशाली पुरुष है, तो फिर वह टेक्निक पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया करते थे। मेन रूप से बात यही थी कि लुईस सर और हॉरेस बेर जो भी ट्रेनिंग करते थे उसमें वह अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा शक्ति का प्रयोग करते थे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि लुईस सर ने शक्तिशाली बनने के लिए कोई अलग से व्यायाम प्रणाली नहीं करी थी, वह बचपन से ही शक्तिशाली थे और उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए विल पावर का यूज़ करा और विल पावर का उन्होंने व्यायाम के दौरान यूज़ करा। व्यायाम के दौरान वह भारी से भारी डंबल को उठाने का अभ्यास किया करते थे। मैं आपको बता दूं कि लुईस सर खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। एक बार लुईस सर और हॉरेस बेरे के बीच में एक बात छिड़ गई और बात यह थी कि देखते हैं कि कौन खाने के जो कंपटीशन है उसमें जीतता है। तो फिर खाने के कंपटीशन में एक 22 पाउंड का सुअर लाया गया था, क्योंकि लुईस सर तो मांसाहारी थे, उस समय वह कुछ भी खा सकते थे। तो फिर 22 पाउंड का एक सुअर लाया गया था, 22 पाउंड का मतलब कि उन्होंने 10 किलो का सुअर मंगवाया था और एक तरफ लुईस सर बैठे हुए थे और एक तरफ हॉरेस बेरे बैठे हुए थे, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा चलने लगी कि कौन इस सुअर को पूरा खाकर दिखाएगा। तो हॉरेस बेरे ने आधे से थोड़ा ज़्यादा ही वह जो मांस था उसको खाया और उतनी तो देर में लुईस सर ने जो पूरा जो 22 पाउंड का जो सुअर था उसको खाकर चट कर दिया था। तभी तो ऐसा कहते हैं कि लुईस सर जो थे वह मांस के राक्षस थे, उनका जो पूरा शरीर था वह पूरा मांस से बना हुआ था। हालांकि इतना भारी शरीर होने के बाद भी लुईस सर में ताकत की कोई भी कमी नहीं थी, ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह सच में शक्तिशाली पुरुष बनना चाहते थे और वह जो अपना वर्कआउट था वह इंटेंस वर्कआउट करते थे, अपनी विल पावर का यूज करके वर्कआउट किया करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो लुईस सर थे वह जो खाना खाने का जो कॉम्पिटिशन था उसमें जीत गए थे और हॉरेस बेरे हार गए थे। सर जब स्टेज पर जाते थे तो फिर वह अपने काफ़ी शक्तिशाली बल प्रदर्शन लोगों को करके दिखाते थे, लेकिन लोगों के और ज़्यादा मनोरंजन करने के लिए वह ऐसी घोषणा कर देते थे कि आप इतने सारे व्यक्ति आए हुए हो और इतने सारे व्यक्ति में से किसी ने भी मेरे किसी एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल कर दी तो फिर मैं उसको $100 दूंगा। यदि किसी व्यक्ति ने मेरे सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल कर दी तो फिर मैं उस व्यक्ति को $1,000 दूंगा। तो फिर जॉर्ज एफ जॉबिट कहते हैं कि ऐसा एक बार हुआ जिसमें लुईस सर ने ऐसी घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति मेरे बल प्रदर्शन की नकल करेगा मैं उसको $100 दूंगा। तो फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम थेरियन था, उसने लुईस सर के किसी एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल करके दिखा दी थी, क्योंकि उस समय जितने व्यक्ति आते थे वह नॉर्मल होते थे, इसलिए लुईस सर ने घोषणा कर दी। लेकिन घोषणा के फलस्वरूप एक व्यक्ति उठा और उसने एक जो लुईस सर का कोई शक्तिशाली बल प्रदर्शन रहा होगा जिसको उन्होंने बड़ी ही आसानी से करके दिखा दिया था और उस व्यक्ति का नाम थेरियन था। जॉर्ज एफ जॉबिट कहते हैं कि
उस थेरी नाम के व्यक्ति ने कितना वजन उठाया था इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ कि उस थेरी नाम के व्यक्ति ने कितना वजन उठाया था, लेकिन वह उस कंपटीशन को जीत गया था। उसने लुईस सायर के शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल करके दिखा दी थी। उस समय ऐसा था होता था कि कोई शक्तिशाली पुरुष घोषणा तो कर देता था कि मैं उस व्यक्ति को $1,000 या $500 या $100 दूंगा जो मेरे शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल करके दिखाएगा, लेकिन उस समय ऐसा था होता नहीं था। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि वह जो भी व्यक्ति उसके शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल करेगा तो फिर उसको इनाम के रूप में पैसा दिया जाएगा। लेकिन लुईस सायर में खास बात यह थी कि यदि उन्होंने घोषणा कर दी है कि $100 दूंगा तो फिर वह उस व्यक्ति को $100 देते ही देते थे। और इसी दौरान उस व्यक्ति ने, जो थोरियन नाम का जो व्यक्ति था, उसने शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखा दिया था, तो फिर लुईस सायर ने अपने मैनेजर मिस्टर लवाडी को बोला कि इस व्यक्ति को $100 दिया जाए क्योंकि इसने शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाया है। लुईस सायर क्या करते थे कि पहले वह स्टेज पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे और पूरा शक्तिशाली बल प्रदर्शन होने के बाद वह अपने जो भारी सामान होता है, जो भारी डंबल होता है, उसको वहीं स्टेज पर छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाते थे और वह उन व्यक्तियों से बोलते थे कि तुम में से कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो इस भारी डंबल को आकर देख सकता है और इसको उठाने का भी प्रयास कर सकता है। तो फिर इसी तरह से एक बार की बात है कि लुईस सायर ने एक भारी डंबल को वहीं स्टेज पर छोड़ दिया और वहां साइड में खड़े हो गए और काफ़ी लोग आए और बड़ी उत्सुकता पूर्वक उस डंबल को देखने लगे क्योंकि एक शक्तिशाली पुरुष इस डंबल को उठाता है और क्या हमारे लिए यह ऐसा संभव है कि हम इस भारी डंबल को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। यह उस समय लोगों के भीतर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या हम इस डंबल को उठा पाएंगे। तो फिर काफ़ी भीड़ आती थी उस डंबल को उठाने के लिए, लुईस सायर का जो डंबल था उसको उठाने के लिए, लेकिन काफ़ी व्यक्ति प्रयास करते थे लेकिन वह डंबल को नहीं उठा पाते थे। प्रयास के दौरान जो व्यक्ति होते थे उनके जो शर्ट के जो बटन होते थे वह भी टूट जाते थे और उनके जो वस्त्र थे वह भी अस्त व्यस्त हो जाते थे क्योंकि डंबल भारी है जिसको वह बल लगाकर उठाने का प्रयास करते थे, लेकिन डंबल इतना भारी होता था कि वह उसको उठा ही नहीं पाते थे, जिस वजह से उनके जो वस्त्र के जो बटन होते थे वह तक टूट जाते थे लेकिन डंबल फिर भी नहीं उठता था। फिर अपने गर्वीले अंदाज में लुईस सायर उस डंबल के पास आते थे और उस डंबल को बड़ी ही आसानी से एक हल्के बोरे की तरह उठाकर अपने कंधे पर रख लेते थे और अंदर स्टेज की तरफ चले जाते थे। ये जो उन्होंने डंबल एक बार जो स्टेज पर रखा था इसका वजन 250 पाउंड था, यानी कि 113 किलो का डंबल उन्होंने ज़मीन पर छोड़ रखा था जिसको कई पुरुषों ने कोशिश करी उठाने की, लेकिन कोई भी शक्तिशाली पुरुष इतना था ही नहीं कि वह उस 113 किलो के डंबल को उठा सके। तो इस तरह से लुईस सायर जो थे वह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे। लोगों के मनोरंजन करने के लिए वह अनेक तरह से लोगों को ऐसा विश्वास दिलाते थे कि मैं शक्तिशाली पुरुष हूँ और यदि आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो फिर आप इन भारी डंबल को भी उठाकर देख सकते हो। अब जो लुईस सायर के बारे में मैं जो वीडियो लाऊंगा वह चैप्टर 7 होगी। यहाँ तक जो चैप्टर 6 में जो भी बताया गया था वह मैंने आपको बता दिया।